जन्म खार जो बॉम्बे में एक सबब, तभी तो बहुत छोटा सबब था, मतलब आज से कितने ऑलमोस्ट 55 साल पहले 54 इयर्स बैक वहाँ पैदा हुआ था। एंड तभी वो सबब बड़ा मतलब ऐसा ही था, ऑलमोस्ट गांव था खार, बंगले थे छोटे छोटे। अच्छा। हाँ, पुराने बंगले थे, मतलब मेरे हम जिस बंगले में रहते हम लोग टेनेंट थे, तो ग्राउंड फ्लोर पे हम रहते थे, ऊपर हमारे लैंडलॉर्ड्स बदलते रहते थे। मेरे दादाजी वहाँ पर 1928 में शिफ्ट हुए थे। अच्छा। तो मेरे पिताजी वहाँ पैदा हुए और हम सब हुए, मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरे दोनों बेटे वहाँ पैदा हुए। बहुत याद है, मतलब उस घर का आम का पेड़ बहुत बड़ा आम का पेड़ था, और वो हमारा मतलब हम टेनेंट थे, तो आप सोचो हम पुराने टेनेंट थे, लेकिन हर लैंडलॉर्ड हमको वहाँ से आम चुराने नहीं देता था। अच्छा। तो वो एक जो मज़ा होता है ना आम तोड़ने का, वो मतलब कमाल था। लेकिन हम बचपन में वही पीछे मतलब रोड पे क्रिकेट खेलते थे, हमारे टेरेस से हमें समंदर दिखता था। अच्छा। जुहू बीच, क्योंकि खेत थे बीच में। ओह, वो खूबसूरत थे, वो दिन बहुत सुहाने थे, मतलब वो पेड़ पेड़ थे। हम लोग बाहर शाम होते ही सब लोग क्रिकेट खेलने बाहर निकलते थे, तो हम लोग जहाँ रहते थे बाहर एक दूसरा कमरा था, तो वहाँ पेइंग गेस्ट रहते थे। अच्छा। थोड़ा बड़ा होके पूछा कि भाई ये लोग कब से हैं, ये लोग आपके साथ? बोला नहीं, ये इनसे पहले यहाँ विजय तेंदुलकर रहते थे। अच्छा। तो विजय तेंदुलकर मेरे दादाजी के पेइंग गेस्ट थे। अरे, तो मतलब कमाल है कि वो उस घर में कहीं ना कहीं कुछ था। मतलब वहाँ मुझे वो घर इतना बड़ा था, तो बाहर के कमरे में जब मुझे संगीत और उसमें रुचि होने लगी, तो हम लोग वहाँ पर हमने बहुत सारी महफिलें रखी। मेरे फादर तो वो थे, ही वॉज अ MBA थे, एंड ही वॉज अ बॉर्न सेल्समैन। वो मतलब उनको सिर्फ बेचना आता था। मैं भी मतलब बड़ा हुआ ये सोच करके कि सेल्स में जाएंगे, कि मैं कुछ ऐसा ही कुछ करूँगा, पापा जैसा ही करूँगा, लेकिन मैं उनको देखता था कि मैं आई वॉज वेरी शाय, मुझे खूब डांटते थे, जाओ बात करो लोगों से। तो मैं जाता था और मतलब मुझे इतना डर लगता था कि लोगों से कैसे बात करूँ, लोगों में मुझे क्या दिलचस्पी होगी।